हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ सार्थक। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं मॉक फॉर SBI PO। ठीक है, तो प्री का मॉक दूंगा मैं इस वीडियो में। अब देखो, कल परसों मैंने क्या किया था, मैंने एक स्मार्ट कीड़ा का मॉक दिया था, मॉक नंबर 20, एंड गाइडली का दिया था मॉक नंबर 4। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा मॉक नंबर 4, आप देख सकते हैं। ये रहा इंग्लिश में 15, क्वांट में 24 एंड रीजनिंग में 17। ठीक है, तो ओवरऑल ये था स्कोर 57.5। और एक मैंने दिया था स्मार्ट कीड़ा का मॉक नंबर 20। और ये जो आप मॉक देख रहे हैं ना, 16, 17, 18, 19, ये मैंने IBPS PO प्री से भी पहले दे दिए थे। ठीक है, सितंबर के टाइम पे, तो ये मैंने दिया था परसों या कल को। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये रहा मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, इंग्लिश में आप देख सकते हैं 13 है, क्वांट में 21 है और रीजनिंग में भी 21 है। ठीक है, ओवरऑल बना है 56.5 परसेंटाइल, आप यहाँ देख सकते हैं। और इसमें भी मैं आपको परसेंटाइल दिखा देता हूँ, 94। ठीक है, तो बस क्या रखना है कि 90 से ऊपर परसेंटाइल रहे। ठीक है, और साथ साथ में आपको ध्यान भी रखना है कि SBI जिनका भी SBI मेंस है, क्लर्क का मेंस, ठीक है, थोड़ा मेंस का भी प्रैक्टिस करते हुए चलना साथ साथ, क्योंकि वो भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब चलिए सीधा स्टार्ट करता हूँ मैं। आई थिंक स्मार्ट कीड़ा का देना चाहिए, तो मैं मॉक नंबर 21 कर रहा हूँ स्मार्ट कीड़ा का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नॉर्मल मोड, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्या है, RC आया पहले, इसको स्किप करते हैं, मार्क फॉर रिव्यू करके आगे। देन उसके बाद ये क्या है, एरर के क्वेश्चन है, एक बार चेक कर लेते हैं। द इंस्टेंस बाई टूरिस्ट फॉर गेटिंग एज क्लोज एज पॉसिबल टू द वाइल्ड एनिमल्स रैदर देन ऑब्जर्विंग देम फ्रॉम अ सेफ डिस्टेंस कैन कॉज गेटिंग एज। तो यहाँ पर ये ना पढ़ने से लग रहा है कि रैदर देन ऑब्जर्विंग देम, तो यहाँ सी में गलती दिख रही है। ठीक है, नेक्स्ट, द प्लान विच इंक्लूड 123 डिजास्टर रिडक्शन प्रोजेक्ट्स वॉज द प्लान, जिसमें इंक्लूड करता था प्रोजेक्ट्स। ठीक है, वॉज अडॉप्टेड आफ्टर द गवर्नमेंट जज्ड एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट इनसफिशियंट टू प्रोटेक्ट लाइव्स। इसमें सच कुछ दिख तो नहीं रहा है पहली बार में। द प्लान विच इंक्लूड्स 123 डिजास्टर रिडक्शन प्रोजेक्ट्स वॉज अडॉप्टेड आफ्टर द गवर्नमेंट जज्ड एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, जज करा है एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट एज इनसफिशियंट हो सकता था, जज एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट इनसफिशियंट टू प्रोटेक्ट लाइव्स, तो इसको स्किप कर देते हैं। देर हैव बीन मोर स्टडीज इन टू वेदर मोर स्टडीज इन टू वेदर दिस इज हैपनिंग इन द US, वेदर दिस इज हैपनिंग इन द US और द जर्नल, देर हैव बीन मोर स्टडीज इन टू वेदर दिस इज हैपनिंग इन द US, बट द वेदर ये थोड़ा गलत लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि वेदर के साथ और आता है, वेदर दिस इज हैपनिंग और नॉट, दिस इज़ हैपनिंग इन द US इन टू दिस इज़ हैपनिंग इन द US बट और द जर्नल कंसेंसिस इज़ नो, बट द जर्नल कंसेंसिस इज़ नो। ठीक है, तो ये मेरी वेदर का थोड़ा मेरे को गलत लग रहा है, तो मैं इसके साथ जाना चाहूँगा। नेक्स्ट क्या है, एयरलाइंस अक्रॉस द ग्लोब बिगिन लिखा है यहाँ पे, हैव बिगिन होता है UN। ठीक है, तो ये गलती है यहाँ पे बी। नेक्स्ट, थ्रू आउट द US एंड यूरोप वॉर टाइम मोबिलाइजेशन एंड इनजेनिटी क्रिएटेड इंटायरली न्यू टेक्नोलॉजीज इंडस्ट्रीज एंड एसोसिएटेड ह्यूमन स्किल्स। थ्रू आउट द US एंड यूरोप वॉर टाइम मोबिलाइजेशन एंड इनजेनिटी क्रिएटिंग इंटायरली न्यू क्रिएट करते हुए एन एसोसिएटेड ह्यूमन स्किल्स क्रिएटेड इंटायरली न्यू टेक्नोलॉजीज कॉमन इंडस्ट्रीज एंड एसोसिएटेड ह्यूमन स्किल।
क्रिएटिंग थोड़ा डाउटफुल लग रहा है मेरे को यहाँ पे, बट मैं डाउटफुल हूँ तो स्किप कर दूंगा इसको। इसको करते हैं, एन एसेंशियल पर्पस ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इज़ टू इनेबल, इसका मतलब नहीं पता, टू टेक प्लेस, दैट इज़ टू प्रोवाइड आर डैश बाई विच कम्युनिटी एक्सप्रेसेज इट्स कलेक्टिव डैश द ट्रांजेक्शन ऑफ द क्रिमिनल, प्रोवाइड अ सोर्स डॉक्यूमेंट प्रोसीजर बाई विच अ कम्युनिटी एक्सप्रेस करेक्टिव डिस्टेस्ट फॉर द ट्रांसग्रेशन। ठीक है ठीक है ठीक है, प्रोवाइड, देखो प्रोसीजर का ज़्यादा लग रहा है यहाँ पे, डिस्क्लेमर तो नहीं हो सकता, इसका मतलब नहीं पता, इसका मतलब नहीं पता मेरे को। और इट्स कलेक्टिव आउटरेज एट द, इट्स कलेक्टिव डिस्टेस्ट फॉर द ट्रांसग्रेशन, एट द ट्रांसग्रेशन फॉर द, ठीक है तो ये मैं इस पर जाना चाहूँगा। नेक्स्ट, हेयर इज़ अ केस टू बी मेड फॉर द सेंटर टू गिव टेली कंपनीज रिलीफ बाई डैश बाई एडवांसिंग होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बाई रिलीफ बाई डेफरिंग, डेफरिंग हो सकता है, डेफरिंग स्पेक्ट्रम पेमेंट्स एंड रिड्यूसिंग द बर्डन ऑफ हाई टेलीकॉम ग्रांट्स। हेयर इज़ अ केस टू बी मेड फॉर द सेंटर टू गिव टेलीकॉम कंपनी रिलीफ, रिलीफ देना है, बाय डेफरिंग हो सकता है, नहीं बाय ऑफरिंग हो सकता है, ऑफरिंग स्पेक्ट्रम पेमेंट्स, बाय अलाउंग स्पेक्ट्रम पेमेंट्स एंड रिड्यूसिंग द बर्डन ऑफ हाई टेलीकॉम लेवीज, रिड्यूस करना है बर्डन, बर्डन किसका होता है, जो उन पे टैक्सेस वगैरह लगे होते हैं उनको करना है, बाई डेफरिंग, ठीक है सही है। इंडिया हैज़ बीन अनएबल टू डैश द फिलेंथ्रोफिक पोटेंशियल ऑफ इट्स डायस्पोरा बिकॉज द लेटर प्रिसीव्स द डेवलपमेंट सेक्टर टू बी करप्ट एंड इनएफिशिएंट एंड इज डैश बाई रेगुलेटरी कंस्ट्रेंट एंड अनफेवरेबल टैक्स पॉलिसीज। इंडिया हैज़ बीन अनएबल टू रिस्पॉन्ड, अनएबल टू फाइंड द पोटेंशियल, डिस्कवर हो सकता है, फाइंड हो सकता है, लेवरेज रिस्पॉन्ड और रिड्यूस तो नहीं हो सकता, एंड इज अफ्रेड बाय, एंड इज लेटर परसीव्स द डेवलपमेंट सेक्टर टू बी करप्ट एंड इनएफिशिएंट एंड इज रूंड बाय कंस्ट्रेंड एंड अफ्रेड, ऑफ होता है ना, अफ्रेड के साथ तो ऑफ लगता है, अफ्रेड ऑफ, रूंड बाय कंस्ट्रेंड एंड, ठीक है ठीक है, रिड्यूस हो सकता है, इज अनएबल टू रिड्यूस एंड इज क्रिपल्ड बाय द, ठीक है मैं रून के साथ जाना चाहूँगा। ट्रम्प्स कंप्लेंट्स, जो ट्रम्प की कंप्लेंट्स हैं, डैश ऑन इज व्यू दैट प्रोपोगेट कंप्लेंट्स बम्बार्ड ऑन हिज व्यू हार्बर इंटरेक्ट फोकस ऑन हिज व्यू दैट द एग्रीमेंट इज अनफेयर टू द US एंड ओवरली डैश टू अदर कंट्रीज, मतलब अनफेयर है US के लिए एंड ओवरली एंड जेनरस प्रिटेंशियस एक्सप्लॉइटिंग इंगेजिंग, आई थिंक जेनरस होना चाहिए। ट्रम्प्स कंप्लेंट फोकस ऑन हिज व्यू दैट इंटरेक्ट हार्बर एंड ओवरली डैश टू अदर कंट्रीज, एंथुजियास्टिक टू अदर कंट्रीज इंक्लूडिंग एंड ओवरली एंथुजियास्टिक, ठीक है तो मैं फोकस के साथ जाना चाहूँगा यहाँ पे। नेक्स्ट, द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ एल्कोहल कंज्यूमर्स आर ओकेजनल ड्रिंकर्स, ओकेजनल ड्रिंकर्स होते हैं, हैंस इफ एनी डैश इज प्लेस्ड इन देयर पाथ टू कंजम्पशन, इफ एनी खर्डल इज प्लेस्ड, मैनी ऑफ देम विल डैश देयर ड्रिंकिंग बिहेवियर, इफ एनी इंसेंटिव इज प्लेस्ड इन देयर पाथ टू कंजम्पशन मैनी ऑफ देम विल अबैंडन, नहीं, फॉल्सी बियॉन्ड कन्फर्मिटी ऑप्शन हर्डल कर्टेल देयर ड्रिंकिंग बिहेवियर, ठीक है, इन एनी इफ एनी कन्फर्मिटी इज प्लेस्ड अवेलेबल, नहीं। नेक्स्ट एक बार देख लेता हूँ, मैनी ऑफ देम विल रिबिल देयर ड्रिंकिंग बिहेवियर अगर एनी कन्फर्मिटी नहीं, ठीक है इसमें क्या है इस पे, अच्छा इसको जोड़ते हैं, इसमें ऑप्शन में क्या है, बी और डी को चेक करते हैं। रफली आ मिलेनियल अगो द चोला डायनेस्टी अचीव वट एनएस विक्रांत इज एक्सपेक्टेड टू अकम्प्लिश टू मेक इंडिया अ मैरिटाइम,
हाँ ठीक है, लग रहा है, हो सकता है। सी एफ के साथ देखते हैं। द सुप्रीमेसी ऑफ चोलास पर्टिकुलरली देयर नेवी अटेन देयर नेवी कॉमा अटेन इट्स जीनिथ ड्यूरिंग द रीजन ऑफ राजेंद्र चोला हु असेंडेड द थ्रोन। मेरे को ये सही लग रहा है, पहला ऑप्शन। आगे एक बार चेक कर लेते हैं। बी के साथ ई तो बिल्कुल नहीं लग रहा है। रफली हम लेने लगा चोला ने अचीव व्हाट विच नहीं सी और डी द सुप्रीमेसी ऑफ चोलास पर्टिकुलर देयर नेवी अटेन इट्स एन एस डी के। तो मैं पहले ऑप्शन के साथ जाऊंगा। नेक्स्ट, द समिट ऑफ द एट नेशन इन्फ्लुएंशियल ग्रुपिंग इज टेकिंग प्लेस एमिड द ग्रोइंग। ठीक है ठीक है, तो ए के साथ ई कहीं दिख रहा है, ए के साथ ये दिख रहा है। अब सी और डी को चेक करते हैं। द पिटिशनर्स हैव आर्ग्यूड दैट इकोनॉमिक क्राइटेरिया अलोन कैन नॉट बी द बेसिस फॉर ग्रांटिंग। ठीक है। नेक्स्ट, इट टुक द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मोर देन 12 ईयर्स टू गेट द फर्स्ट फाइव कोर। ए के साथ एफ आ रहा है, नहीं हो सकता। ए के साथ ई हो रहा है। फाइव कोर इन्वेस्टमेंट मार्क्स बट द नेक्स्ट फाइव कोर इन्वेस्टमेंट ज्वाइन इन लेस देन 2 ईयर्स। ठीक है, तो ए और ई का बिल्कुल कॉम्बिनेशन बैठता है। बी और डी को चेक करते हैं। द ग्रोथ इन इन्वेस्टर्स वॉज मोर प्रोनाउंस इन द नॉर्थ ईस्टर्न कॉमा ईस्टर्न एंड सेंट्रल स्टेट्स वेयर द सेंट्रल फिगर्स आर नॉट हाई। बी और डी भी है, बी और डी भी है, तो ऑप्शन में तो मेरे को एक ही दिख रहा है। नेक्स्ट चेक करते हैं। द ग्रोथ इन इन्वेस्टर्स इन द रिसेंट हैज़ बीन मोर प्रोनाउंस्ड। नहीं 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 लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट में क्या है, इन दोनों को जोड़ना है। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है, क्रैश आफ्टर क्रैश एकोड फार अबव देयर हेड्स द अर्थ केम टुगेदर व्हेन इट हैड स्प्लिट इट हैड स्प्लिट एंड स्टोन्स एंड चंक्स ऑफ क्ले रैटल्ड अराउंड एवरी साइड्स द अर्थ केम टुगेदर। मैं ब्लाइंग द सेम मीनिंग। ठीक है, एज वेल एज क्रैश आउटर रेकॉर्ड फॉर अबव देयर हेड्स द अर्थ केम टुगेदर वेर इज स्प्लिट एंड स्टोन्स टुगेदर रैटल्ड अराउंड एवरी कॉर्नर एज वेन क्रैश आफ्टर क्रैश रेकॉर्ड वेन ओनली थर्ड है कहीं पे, इसमें डाउट हो रहा है तो उसको छोड़ देते हैं। डीन रिलक्टेंटली एग्रीड इट वॉज अ क्लेवर आइडिया ही थॉट इट वॉज अ वेस्ट ऑफ टाइम। डीन रिलक्टेंटली एग्रीड बाई एम्प्लाइंग द सेम मीनिंग। अब इसको बीच में लगाना है, एज स्टार्टर्स की तरह यूज भी कर सकते हैं। कनेक्टर लिखा है। इवन दो ही थॉट वॉज अ वेस्ट ऑफ टाइम एग्रीड इट वॉज अ क्लेवर आइडिया इवन दो वाइल ही थॉट जबकि ठीक है ओनली थर्ड तो लग रहा है। एज सून एज सेकेंड एंड थर्ड ही थॉट डीन एग्रीड इट वॉज अ क्लेवर आइडिया वाइल ही थॉट और इवन दो ही थॉट। वाइल के साथ थोड़ा डाउट हो रहा है, मगर वाइल भी थोड़ा कॉन्ट्रास्ट वाला आता है ना, कॉन्ट्रास्ट। वाइल ही थॉट, ठीक है, मैं थर्ड के साथ जाना चाहूँगा, ये थोड़ा गलत भी हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, अच्छा रॉन्गली स्पेल्ट वगैरह देखना है। इट वॉज एन आइसोलेटेड मोमेंट, ठीक है, इट वॉज एन आइसोलेटेड मोमेंट ऑफ क्लैरिटी इन वुली फर्स्ट हाफ दैट सॉ ब्राइटन सेव पोजेशन and pick away at the Chelsea defense without ever quite threatening to wrench it open। यार ये डाउट लग रहा है, उन्होंने पता नहीं कैसी लैंग्वेज लिखी है। इंस्टेड इनेबल्ड बाय टॉप एडमिनिस्ट्रेशन officials US president largely attempted to pretend the virus did not exist spending much of his time distracted by impeachment and vengeance।
यार ये समय लग तो पूरा ही सही रहा है। ओनली 70 मिलियन ईयर्स अगो, 70 मिलियन ईयर्स अगो देयर एंसेस्टर्स, एंसेस्टर्स होता है ना, वो आता है उसमें, एंसेस्टर्स। ठीक है, तो ये तो गलत आ रहा है। वर कार्निवोरस मैमल्स हु माइग्रेटेड इन स्लो। ठीक है, मिलियंस, तो मैं बी के साथ जाना चाहूँगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? ठीक है, इसको देखते हैं, इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है द स्पीसीज एंड द प्लेसेस वी लव कैन डिस्टर्ब डिपेंड ऑन। इसको देखते हैं इसमें क्या क्या ऑप्शन लिखा है। इसमें लिखा है सबसे पहले ए के साथ, द स्पीशीज एंड द प्लेसेस वी लव एंड इवन स्मॉल चेंजेस टू द क्लाइमेट कैन डिस्टर्ब द डेलिकेट बैलेंस ऑफ नेचर। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है ये। स्मॉल चेंजेस टू द क्लाइमेट डिपेंड ऑन इंटीग्रेटेड सिस्टम्स कॉमा, नहीं, बी के साथ, डिपेंड ऑन इंटीग्रेटेड सिस्टम्स कॉमा एंड इवन स्मॉल चेंजेस टू द क्लाइमेट कैन डिस्टर्ब द डेलिकेट बैलेंस ऑफ नेचर द स्पीसीज एंड द प्लेसेस वी लव। द स्पीसीज एंड द प्लेसेस वी लव कैन डिस्टर्ब द डेलिकेट बैलेंस ऑफ नेचर एंड इवन स्मॉल चैलेंजेस टू द क्लाइमेट। सी के साथ अगर मैं जाऊँ, नहीं, तो ये आई थिंक बी वाला थोड़ा लग रहा है मेरे को। डिपेंड ऑन इंटीग्रेटेड सिस्टम्स कॉमा, इसको स्किप करते हैं। राइजिंग ओशन एसिडिटी थ्रेटन्स फूड चेन्स, नहीं, थ्रेटन्स शेलफिश इंक्लूडिंग द टाइनी क्रस्टेशियंस विदाउट विच मैरीन फूड चेन्स वुड कलेप्स। ठीक है, तो ए होना चाहिए, ए के साथ डी लग रहा है, ए डी सी बी, बी के साथ फूड चेन्स वुड कोलैप्स विदाउट विच मेराइन शेलफिश इंक्लूडिंग द टाइनी, नहीं, ए के साथ सी, राइजिंग थ्रेटन्स विदाउट, नहीं। ठीक है, नेक्स्ट। फॉर डिकेड्स इट वॉज नोन टू स्पार्क, सी के साथ, सी से स्टार्टिंग हो रही है, सी को देखते हैं। स्टेब्लिश इन पार्ट ऑफ सेंट्रल एंड वेस्ट अफ्रीका बी, ऑल्दो मंकी पॉक्स हैज़ बीन स्टेब्लिश इन पार्ट्स ऑफ, बी से अगर स्टार्ट करूँ, ऑल्दो मंकी पॉक्स हैज़ बीन स्टेब्लिश इन पार्ट ऑफ द सेंट्रल वेस्ट अफ्रीका फॉर डिकेड इट वॉज नॉट नोन टू स्पार्क लार्ज अर्थक्वेक्स बियॉन्ड दिस कॉन्टिनेंट, सॉरी। नेक्स्ट क्या है? अब सीधा ये आ गया, इसको चेक कर लेते हैं। अब देखो, 4 मिनट में इतना बड़ा तो पढ़ा नहीं जाएगा, गो थ्रू कर लेते हैं इसको एक बार। अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट द आइडिया दैट प्री पेंडेमिक बिग टेक फर्म्स लाइक गूगल वर हंग्री फॉर टैलेंट। सबसे पहले पैराग्राफ में अगर कहीं गूगल दिख रहा है तो उसको देखते हैं। नीचे ही दिख रहा है मेरे को गूगल, और तो कहीं दिख नहीं रहा है। नाउ द टाइम्स हैव चेंज, गूगल सीईओ सुंदर पिचाई टोल्ड इन एम्प्लॉय दैट दी कंपनी वुड रिड्यूस द पेस ऑफ इट्स रिक्रूटिंग एफर्ट्स फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर। माइक्रोसॉफ्ट हैज सेड दैट इट रिमूव सेवरल लिस्टेड ओपनिंग्स, जॉब ओपनिंग्स। ठीक है, या तो कम करने की बात चल रही है। नहीं, नहीं दिख रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द फाइंडिंग्स ऑफ द आईएलओ रिपोर्ट? अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेट्स बाय आईएलओ, प्रायर टू द पेंडेमिक ओनली 8% ऑफ वर्कर्स वर्ल्ड वाइड वर्क फ्रॉम होम ऑन अ परमानेंट बेसिस। ठीक है, सेपरेटली इंटरनेट सेवी कंज्यूमर हु चैट शेयर वीडियोज एंड शॉप ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म एक्सटेंडेड देयर यूसेज टाइम लिमिट। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है आगे? नेक्स्ट, सो दी फ्यू बिलियंस कस्टमर्स, इसमें से तो मेरे को कुछ भी नहीं दिख रहा है।
फाइंडिंग्स ऑफ द, अच्छा दूसरी रिपोर्ट भी है, ये क्या लिखा है, द आईएलओ रिपोर्टेड टाइटल दिस 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 द क्राइसिस एस्टिमेट द पेंडेमिक टू हैव वाइप्ड आउट इतना मिलियन जॉब्स इन इतना अराउंड इतना मिले ठीक है कंपेयर टू द प्री, इट नोटेड एडिशनल इतना एम्प्लॉयड, बिल्कुल सही है, एक्सट्रीम पोवर्टी बिकेम ह्यूज पुअर, हाँ ठीक है, वर पुश्ड इनटू एक्सट्रीम पोवर्टी वही हो गया, एडिशनल इतना एम्प्लॉयड मिलियन एम्प्लॉयड पर्सन्स बिकेम ह्यूजली पुअर मेकिंग दैम लिव ऑन इतना, द वर्किंग आवर्स शोड डिक्रीमेंट वर्ल्ड वाइड, ऐसा कुछ लिखा था क्या, द पेंडेमिक दिस दिस मिलियंस ऑफ पीपल दिस, आगे ऊपर कोई रिपोर्ट तो नहीं थी ना, ठीक है यहाँ पर आ गया है, वर्किंग आवर्स इन द रीजन डिक्रीज बाय, ये सिर्फ ये दोनों आएगा, सेकेंड और थर्ड नहीं है, सेकेंड और थर्ड ये रहा, अकॉर्डिंग टू द कंपनीज देयर हायरिंग इन जॉब, विच आर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कंपनीज, यहाँ पर क्या लिखा था, टेक फर्म्स, फॉर्चून 500 इंक्लूडिंग बिग टेक फर्म्स, इतना यूनिकॉर्न्स था, यूनिकॉर्न्स था, न्यूली लिस्टेड कंपनीज था और नॉन टेक, तो ये सारे ही थे, विच आर द फॉलोइंग, सारे विच आर द फॉलोइंग, अब थोड़ा यार ल्यूड का मतलब क्या होता है, ल्यूड मतलब होता है सिनोनिम, इनग्रॉस्ड करना उनको, ठीक है, ए में क्या आना चाहिए था, मैच करते हैं हम सीधा, इसको स्किप करते हैं पहले, इसको देख लेते हैं इसमें क्या लिखा है, नहीं इसको भी छोड़ते हैं अभी, अ शॉपकीपर मार्क्ड एन आर्टिकल 2400 डिस्काउंट लगाया उसने, ठीक है 5 से उसका कितना हो गया, सॉरी 4 से उसका कितना हो गया, 3 हो गया, एंड मेड अ प्रॉफिट ऑफ इतना, ठीक है 4 से 3 हुआ है, और ये जो 4 से 3 हुआ है और प्रॉफिट कितना कमाया उसने, ये क्या है, ये है एमपी और एसपी, ये है एमपी और एसपी, अब सीपी आ जाएगा, ये कितना है प्रॉफिट कमाया उसने 5 और 6 का, इसको 2 से कर दिया 6 हो गया, 2 से कर दिया 8 हो गया, 8 6 5 हो जाएगा, शॉपकीपर ने मार्क करा था 2400, 2400 डिवाइडेड बाय 8 हो जाएगा ये 300 हो जाएगा, डिस्काउंट वर्थ ही ऑफर्ड ही वांटेड टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ इतना, ठीक है 300 हो जाएगा, 1500 होना चाहिए, अगर उसको प्रॉफिट कमाना है तो कितने का डिस्काउंट देना पड़ेगा, कितने का प्रॉफिट चाहिए उसे, 15 बाय यहाँ 4 हो जाएगा इंटू 5 होना चाहिए, ठीक है 4 का हो गया यहाँ पे 25, 25 हो जाएगा, 25 5 125 हो जाएगा, 15 होना चाहिए ये 75 हो गया, 30 हो गया, 37 हो गया, 15 हो गया 18, 1870 मतलब 1875 आ रहा है, तो 2400 का है तो 525 525 डिवाइडेड बाय 2400 डिवाइडेड बाय 100, 100 से 100 गया, 24 से कटेगा 2 बार, ये 48 आएगा, 45 आना चाहिए, 21 कुछ आना चाहिए, 21 पॉइंट समथिंग कुछ, ठीक है ए एंड बी ने स्टार्ट करा है 8x और इसके साथ, ठीक है 8x हुआ, 12x हुआ, ए ने बी ने इन्वेस्ट करा एम के लिए, ये बेसिकली 2 हो गया, ये 3 हो गया, इसको एम के लिए करा, इसको 24 महीने के लिए करा, यहाँ कितना हो गया 2 से ये कटेगा कितना 12, यहाँ पर ये एम हो गया, यहाँ पर ये कितना हो गया 36 हो गया है, एम और 36 हो गया है, इफ़ दे बोथ अर्न द सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एम, एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी 36, रॉन्ग टर्म को अभी छोड़ते हैं पहले आगे क्वेश्चन करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बन जाएगा 16,000 फॉर 9 मंथ्स क्वार्टरली, एट 80% पर एनम फॉर 9 मंथ्स कंपाउंडेड क्वार्टरली, 80 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूँगा तो 20 आएगा, 20 आएगा तो 5/6 हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा, फिर से 5/6 हो जाएगा, 125 हो गया है, 216 हो गया है, ठीक है कितना आएगा, 16,000 आ जाएगा डिवाइडेड बाय कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, 125 हो गया डिवाइडेड बाय 75 प्लस 16 दैट इज़ 91, 25 का 5 से करेंगे, 25 का 4 से करेंगे, 5 का करेंगे ये करेंगे 2 से, 8 हो जाएगा, 16 8 जा 144 होता है, 7 से करेंगे 7 4 जा 28, 7 4 जा 28 30, 7 1 जा 7 10, 7 से करेंगे अब 13 से करेंगे 13 8 जा 104, ठीक है 13 0 0 हो गया, 13 23 हो गया, ये 2 हो गया, ये 13 हो गया, 1324,
कुछ गलत तो नहीं करा, 125 हो गया, 16,000 है, 25 का हो गया, 125 हो जाएगा क्योंकि 4 से कराना हमने, 4 से करेंगे तो ये 20 आ जाएगा, 20 का होता है 5/6, 125 हो जाएगा, 216 हो जाएगा, ठीक है। 81 ही है ना, 75, और ये 91 होता है, 91 होता है, 25 5 हो गया, ठीक है सही है ये, तो इसको मैं लगा रहा हूँ ऑप्शन। नेक्स्ट क्या आएगा, ठीक है इसमें क्या लिखा है, एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स एवरेज वेट ऑफ बॉयज़, द नंबर ऑफ द गर्ल्स इन सी इज़ 48 एंड द नंबर ऑफ द बॉयज़ इन द सेम स्कूल इज 80, सी एवरेज वेट ऑफ द टोटल क्लास कितना है। 4 1 जा 4, 4 2 जा हो जाएगा, 4 2 जा हो जाएगा, 4 5 जा हो जाता है, 4 3 जा हो जाता है, ठीक है। सी की बात कर रहे हैं तो सी में गर्ल्स कितनी है, गर्ल्स 48 थी ना, ठीक है। गर्ल्स का कितना है सी में, गर्ल्स का है आपका ब्लू में जो कि कितना होता है 48, और बॉयज़ कितने हैं 40, ये हो जाएगा 200, 200 ये होता है 120 और 24, 144 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 2 जा हो जाएगा, 2 4 जा, 217 ये 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 43, 43 ऑप्शन में है बिल्कुल। इफ़ द एवरेज वेट ऑफ द टोटल स्टूडेंट इन ई इज़ इतना, वट इज़ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द स्कूल। ई की अगर मैं बात करूँ, गर्ल्स कितनी हो गई 50 हो गया इनका एवरेज, और बॉयज़ का कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, टोटल कितना आ रहा है यहाँ पे 46.4, 0 कर दिया, 0 कर दिया, 464 हो गया। इसको अगर मैं यहाँ से करना चाहूँ तो ये होता है 36, इसको मैं यहाँ से करना चाहूँ तो ये होता है 24, ये 2 और 3 हो गया, तो बॉयज़ का पूछा था ना तो 3 और 2 हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ़ द नंबर ऑफ़ द गर्ल्स इज सेम एज द नंबर ऑफ़ द बॉयज़ इन ईच स्कूल, इफ़ द नंबर ऑफ़ द गर्ल्स इज सेम एज द बॉयज़ इन ईच स्कूल, वट इज़ द मैक्सिमम एवरेज ऑफ द, ठीक है मैक्सिमम एवरेज किसका आएगा, जिसका सबसे ज़्यादा होगा, 40 और 50 90 हो गया, 45 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना लिखा हुआ है 42, और ये 42 और कितना लिखा हुआ 50, 92 डिवाइडेड बाई, ये भी नहीं होता है, 46 हो जाएगा, ये 46 हो जाएगा। तीसरे का कितना आना चाहिए एक बार इसका चेक कर लेता हूँ, ये कितना आ रहा है 56 आ रहा है, 56 प्लस 36 हो रहा है, 2 हो गया, 1 हो गया 92, ये भी 46 हो रहा है, इसका चेक करते हैं, 50 और 44 94 होता है, 2 से करेंगे ये तो ये ज़्यादा आ रहा है, ई ई सबसे ज़्यादा आ रहा है, ठीक है ठीक है, ई ई सबसे ज़्यादा आएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द पॉसिबल एवरेज वेट ऑफ द स्टूडेंट्स इन ए, ए का पॉसिबल वेट कितना हो सकता है, डिपेंड करेगा नंबर ऑफ गर्ल्स और इसका, ऑल द स्टूडेंट्स इन ए 40 और 50 के बीच में होगा यार, जो भी होगा ठीक है, 40 और 50 के बीच में होना चाहिए, 50 नहीं हो सकता, 51 नहीं हो सकता, 41 होना चाहिए, ठीक है। इफ़ देयर आर 50 गर्ल्स इन बी, नंबर ऑफ द बॉयज, एक मिनट, निकल एवरेज पता है हमको, ये भी नहीं पता, वो भी नहीं पता, एवरेज भी नहीं पता, तो ये नहीं निकल पाएगा, कैन बी डिटरमाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, नेक्स्ट में लिखा था एवरेज वेट ऑफ द 19% वॉज इंक्रीज बाय इतना व्हेन द रोहित इज रिप्लेस बाय एन मेंबर, 19% है उनका एवरेज एक्स है, रोहित को रिप्लेस कर दिया गया, रोहित को मैंने हटाया, ठीक है, और अ मेंबर वेट 40 को लाया, 40 को लाया, अब उनका जो एवरेज वेट था वो कितना बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, एक्स प्लस 1.5 हो गया, यहाँ पे ये 19x हो गया है, माइनस आर हो गया, प्लस 40 हो गया, इक्वल टू 19x हो गया, प्लस 19 का 19 तो होता ही है, 18 का 9 होता है, 9.5 हो जाएगा, 10 होता है तो 29, 28.5 हो जाएगा, 19 से 19 कट जाएगा, आर उधर चला गया, तो ये हो जाएगा 11.5, 11.5 हो रहा है यहाँ पे, थिंक मैं कुछ गलत किया है मैंने, माइनस आर हुआ है, प्लस 40 हुआ है, तो व्हाट इज़ द वेट ऑफ रोहित, रोहित का वेट कितना होगा, बढ़ गया है 19 माइनस एक्स, 19x हो गया, माइनस आर कर दिया, प्लस 40 कर दिया, रिप्लेस बाय अ ग्रुप ऑफ मेंबर्स वेटिंग इतना, व्हेन रोहित रिप्लेस द, अच्छा ठीक है, ये 40 और ये कितना हो जाएगा, 40 और 68.5 आ रहा है बिल्कुल। नेक्स्ट इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है बोटमैन क्या हुआ, डिस्टेंस करा उसने डाउन स्ट्रीम एट द यूजुअल स्पीड, ही हैड इंक्रीज द बोट स्पीड बाय इतना, ही वुड हैव कवर्ड इतना मोर इन द सेम टाइम, इसको छोड़ते हैं, इसको सोचना पड़ेगा, ये क्या है, ठीक है इसको कर लेते हैं, 8 की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो रही है ये
ठीक है, ये 8 × 8 × 8 × 8 ऐसे करके पता नहीं 6 वैल्यूज़ हैं। ठीक है, 6 हो गया। यहाँ पर कितनी वैल्यूज़ हैं? 3 वैल्यूज़ हैं। यहाँ पर 6 वैल्यूज़ हैं, यहाँ पर सिर्फ एक वैल्यू है। 24 हो गया, 24 हो गया, 24 हो गया। इसको देखते हैं, 8 और 3 हो जाएगा, 8 और 3 हो जाएगा, 8 और 3 हो जाएगा, 27 से 27 ऐसे चला जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऑप्शन आना चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस? ठीक है, 100 से 100 एज इट इज़ चला जाएगा। ये क्या हो जाएगा? एक्स इक्वल टू 800 × 7.5 740 हो जाएगा, 1850 हो जाएगा। 5 से जाएगा 2, सॉरी 0 से तो 0 ऐसे ही चला गया। ठीक है, 0 से 0 ऐसे चला जाएगा। अब जाएगा 5 से जाएगा 16 बार, 5 से जाएगा 3 बार, 5 से जाएगा 5 बार। ठीक है, 35 हो गया। 5 से जाएगा 7 बार, 5 से जाएगा 2 बार। पॉइंट में आ रहा है क्या आंसर? कुछ अप्रॉक्सीमेट भी नहीं बोला इन्होंने। एक्स इक्वल टू 800 × 740 डिवाइडेड बाय 1850। 0 से 0 कट गया, 5 से कटेगा, 5 3 जै 15, 5 7 जै 35, 5 1 जै 5, 16 0 होता है, 37 8 2 होता है, 320 ऑप्शन आ रहा है। सॉरी, नेक्स्ट क्या आएगा? 12 4 48 48 48, 49/4 हो गया, 28 29/4 हो गया, -72 73/8 हो गया, इक्वल टू 8300 हो गया, डिवाइडेड बाय एक्स हो गया, 8 हो गया। एलसीएम 48 का 98 हो जाता है, 29 का 58 हो जाता है, -73, 8 8 16 1 15, -73 3 हो जाएगा, 83 हो जाएगा, 83 से 100 कट जाएगा, 800 आना चाहिए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट ज़रा देखते हैं। 40% का मतलब होता है 5 5 4 5 5 × 2, ये आ जाता है 90। 90 का हो जाएगा 10, 100 हो जाएगा, 100 − 1/4, 90 45, कितना आना चाहिए? 55 आना चाहिए यहाँ पे। नेक्स्ट, 400 का 200 हो जाएगा, 200 + 14 सॉरी 20 + 14 = 34, 34 + 2 = 36, 36 का खुद हो जाएगा 6 6 / 6 × 10, कितना हो जाएगा? 10 आना चाहिए ऑप्शन में। हाँ, ट्रेन पासेज इतना मेरे प्लेटफॉर्म में इतना, अच्छा प्लेटफॉर्म को कर दिया तो एक्स माना मैंने, 420 माना इसको, कितना दिन में करती है? 26 सेकेंड्स में। अच्छा, ट्रेन की स्पीड दी हुई है, 108 आ जाएगा, × 5/18 हो जाएगा, × कितना ये 26 सेकेंड्स। ठीक है, 18 को करेंगे तो 6 से जाता है, 6 × 5 = 30 होता है, इसको 30 करेंगे, 18 हो गया, 6 करेंगे 7, 780 हो गया, 480 माइनस करके 0 हो गया, ये 6 हो गया, ये 3 हो गया, 360 प्लस ये 960, 960 डिवाइड बाय 108 × 5/18। ठीक है, 160 ये 12 से कितना जाता है? 12 9 12 8 9 दुनी हो गया, 5 जाएगा 16, 32 आना चाहिए। 32 ऑप्शन में यही नहीं, ठीक है, 32 ही आ रहा है ना। 5 से करेंगे 16 आएगा, 16 × 32 हो गया, 12 9 जै 108, 12 8 जै 96, 0 हो जाएगा, 9 से गया 2 बार, 5 से गया 16 बार, 32 हो जाएगा। इन अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, ठीक है, रेशियो मिल्क एंड वाटर का कितना है? ये रहा मिल्क और ये रहा वाटर, 6:1 है। आफ्टर एडिंग 24 लीटर्स ऑफ वाटर टू द मिक्सचर द रेशियो बिकम्स 3:1। वाटर मिलाया ये तो ये रहना चाहिए, ये 6 हो गया, ये 2 हो गया, ये कितना मिलाया था मैंने? 24। एक की वैल्यू 24 है, तो क्वांटिटी ऑफ द मिल्क इन द मिक्सचर, वट वॉज द नहीं पूछा है, वट इज़ द क्वांटिटी? 24 × 2 = 48 हो जाएगा, मिल्क 24 × 6 होता है 144। नेक्स्ट, नंबर ऑफ, देखिए क्या है ये, DI आ गया है, नंबर ऑफ बॉयज़ दे रखे हैं। देखो भाई, बॉयज़ कितने दे रखे हैं यहाँ पे? बॉयज़ है ब्लू वाला जो कि है 48, गर्ल्स कितना परसेंटेज था? 2, तो ये 3 होगा, 3 का 16 हो जाएगा, 16 × 2 कितना होता है? 32, गर्ल्स हो गई 32 ए में। बी की अगर मैं बात करूँगा तो बी में कितना दे रखा है? बी में बॉयज़ दे रखा है 60 और गर्ल्स कितना है? 60, मतलब 3 × 2 है तो गर्ल्स जाएंगी 90। सी की अगर मैं बात करूँगा तो जो बॉयज़ दे रखे हैं दैट इज़ 36, परसेंटेज कितना है गर्ल्स का? गर्ल्स का 9 है, तो ये 9 का 4 हो जाएगा, 4 सिर्फ गर्ल्स 4 हैं सिर्फ, ठीक है, गर्ल्स का अगर 60 है तो वो 2 हो जाएगा। ठीक है, अब डी का क्या दे रखा है? डी का क्या दे रखा है? 56, डी का 56 हो गया, 3 है 7, 8 हो जाएगा, 8 × 3 = 24 हो जाएगा।
ई की अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ पर 42 हो गया, गर्ल्स 30, देर की 7 6 18 हो जाएगा ये। अगर मैं बात करूँ एफ़ की, एफ़ का कितना दे रखा है 36, 36 का कितना है 3, 3 का होता है 12, 12 7 जो कितना होता है 84। द नंबर ऑफ़ द गर्ल्स इन ई जो कि ई में कितना है 18 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ़ द बॉयज़ इन बी, 60 डिवाइडेड बाई ये 16, 10 6 10 जो होता है 6 3 जो होता है 0 से 0 जाएगा जो कि 30% आना चाहिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ़ द स्टूडेंट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ द स्टूडेंट्स ये SC हो गया, ये 150 हो गया, ये 40 हो गया, ये 6 का दिया 90, 90 3 120, 20 स्कूल में सबसे ज़्यादा है। रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ़ द ए, ए में कितने हैं 80 टू द डी, डी में कितने हैं भाई, ए भी 80 हो जाएगा, 80 और 80 कितना होता है 1:1। वट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ़ द गर्ल्स इन ऑल 6 स्कूल्स, 32 और ये 122 हो गया, 4 हो गया, 126 हो गया, 126 हो गया, 8 का 32 होता है ये 42 हो गया, 42 हो गया, 84 हो गया, 0 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 15 और 1 252 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है 6 जाएगा, 6 4 जा 6 43, 43 ऑप्शन में नहीं आ रहा है, 6 4 जा 6 2 जा 12, 42 42 ऑप्शन होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, विच क्लास इज़ द मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ़ गर्ल्स एंड बॉयज़, इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है 8 8 16 का आ रहा है, इसमें 30 का आ रहा है, इसमें मेरे को 32 का डिफरेंस दिख रहा है, इसमें कितना दिख रहा है 4 ए 8 आएगा, 7 और 3 48, सबसे लास्ट वाला डिफरेंस, एफ़ का डिफरेंस सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट द ये कितना है 34, ये नहीं ठीक है, द डायमीटर ऑफ अ स्फीयर इज डिक्रीज बाय द डायमीटर ऑफ अ स्फीयर, वो जो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, द डायमीटर ऑफ अ स्फीयर अगर डिक्रीज हुआ है मतलब 10 था वो अब कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ये डायमीटर है, स्फीयर किसका हो जाएगा, द रेशियो ये 65 वाला तो नहीं हो पाएगा, द रेशियो ऑफ द ए और बी की बात करते हैं तो 1/3 हो जाएगा, 5 साल पहले द रेशियो ऑफ द ए टू बी वॉज 1:6, प्रेजेंट इतना है 5 साल पहले इतना था, इसको लिख दिया 1/6, इसको लिख दिया 1/3, डिफरेंस कितना है इन दोनों में 5 साल पहले ना, तो ये 6 6 कर दिया मैंने, इसको करा 6 ये आ जाएगा 3, इसको करा यहाँ पर 18, 6 करा 12 हो गया, 1 की वैल्यू 4 आ जाएगी, ठीक है 1 की वैल्यू 4 आ जाएगी, ये 4 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, ठीक है ये 5 ऐड कर दिया मैंने, 5 में हो गया 20, 5 कर दिया 29 हो गया, 4 में 5 करेंगे 9 हो जाएगा, मैंने कुछ गलत कर दिया है, ये क्या हो रहा है, प्रेजेंट एजेस एक्स ऑन 3x माइनस 5 कर दिया, माइनस 5 कर दिया इक्वल टू 1/6 हो गया, 6x माइनस 30 हो गया इक्वल टू 3x माइनस 5 हो गया, ये 3x हो जाएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा 35 का 25 हो जाएगा, कुछ गलत हो रहा है, ये फिर से गलत हो रहा है, रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज बता दिया, 5 साल पहले की एज बता दी, द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज एक्स अपॉन 3x, 5 साल पहले माइनस 5 माइनस 5, द रेशियो ऑफ द ए और बी इज 1:6, दिस इज 6x माइनस 30 इजिकल 3x आ जाएगा, माइनस 5 हो जाएगा, ये यहाँ पर गया ये कितना हो गया, ये हो गया 3x, ये यहाँ पर गया ये कितना हो गया, यहाँ पर गया ये 25, ये उधर जाके 25 हो गया, x की वैल्यू 25/3 कैसे आ रही है, 25/3 आ रही है x की वैल्यू 10 साल पहले, ठीक है एक x की वैल्यू आ रही है यहाँ पर 25/3, दोनों में प्लस करेंगे 10, यहाँ पर हो जाएगा 25 क्योंकि वो 25 है, प्लस 10 करेंगे ये 35 हो जाएगा, 30 हो जाएगा यहाँ पर 55 हो जाएगा, नीचे 35 हो जाएगा, 35 × 3 हो जाएगा, 7 से करेंगे 5 से करेंगे 5/21 कुछ आ रहा है, 11/21 आ रहा है, 11/21 मतलब ये क्वेश्चन में ही फ्रैक्शन वाला पॉइंट था, देखो ये तो नहीं हो पाएगा, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, रॉन्ग नंबर सीरीज में देखते हैं कुछ, ज़रा ये मेरे को डिफरेंस का कुछ लग रहा है, 8 × 2 नहीं, ये प्लस का 8 हुआ, यहाँ पर ये 8 है तो 4 और ये 12 हो गया, फिर यहाँ पर मैंने देखा ये 22 होता है, 22 और 4 ये 26 होता है, फिर यहाँ पर ये 30 दिख रहा है, फिर यहाँ पर कितना दिख रहा है 16 और 52 कितना होता है 8 और 6 68 होता है, ठीक है
आठ सही है, 12 सही है, 12 सही है यहाँ पर, ये 22 और 4 ये सही है, 16 यहाँ, 30 सही है, बिल्कुल सही है। इसमें एक बार डबल डिफरेंस देखता हूँ, 4 हो गया ये यहाँ पर, ये 14 हो जाएगा, ये फिर से यहाँ पर, ये 14 तो नहीं हो रहा है, 4 हो रहा है। फोर्टी एट का 100, इसको देखते हैं, प्लस का 12 हो गया, माइनस का 14 हो गया, प्लस का कितना हो गया 16 हो गया, माइनस का कितना होना चाहिए 18 होना चाहिए, ठीक है, प्लस हो गया, माइनस हो गया, प्लस हो गया 16, फिर से माइनस होना चाहिए 18, तो ये कितना आएगा, 12 करेंगे तो 50 आना चाहिए, 50, 12 और 6, 6 करके आ रहा है, प्लस का 20 हो रहा है, बिल्कुल सही है, माइनस का कितना होना चाहिए 22, बिल्कुल 22 हो रहा है माइनस का, प्लस का 24 होना चाहिए जो कि गलत है, 68 यहाँ पे गलत आ रहा है, ठीक है, इसको देखते हैं इसमें क्या है, ये प्लस का 9 है, फिर 60 होता है तो ये 3 होके 16 हो गया, ये 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, नेक्स्ट क्या आएगा, 25 होना चाहिए, बिल्कुल 25 आ रहा है, 36 होना चाहिए, 36 नहीं दिख रहा है मेरे को, 132 गलत है, नेक्स्ट। अब देखो ये इतना ही हो पाया, ये वाला मेरे को फॉर्मूला थोड़ा डाउट हो रहा है, ये वाला मैं कर देता मगर यार ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैंने भी करी नहीं। अब देखो रीजनिंग में इन्होंने यहाँ मेंस का क्वेश्चन घुसा दिया, एक इजी होता है ऐसा नहीं है, बट मैं अभी इसको कर नहीं रहा हूँ, ठीक है, ये 10% वाला हो गया, कोई इजी क्वेश्चन देखता हूँ, ये प्री की रीजनिंग है ना, चलो ठीक है इस क्वेश्चन को करते हैं। इसमें क्या लिखा है, 8 लिखा है, 15 लिखा है, ठीक है, 8 और 15 हो गया, 8 और 15 हो गया, 8 ही लोग हैं, 8 और 15 हो गया, ईयर कौन से हैं, मंथ कौन से हैं, ये अप्रैल हो गया, ये मई हो गया, ये अगस्त हो गया, ये नवंबर हो गया, 31 हो गया, ये 31 हो गया, वी गोज ऑन वेकेशन ऑफ द 8 मंथ हैविंग इवन नंबर ऑफ डेज। अच्छा इवन वाले में या तो वी यहाँ पर होगा, ठीक है, या तो वी कहाँ होना चाहिए, नवंबर में होना चाहिए, ठीक है, 8th में जाता है तो नंबर ऑफ द पर्सन बिटवीन ए और ई, ए और ई में जितने लोग हैं सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन सी और एक्स, ठीक है, ए गोज ऑन अ इवन नंबर डेट बट नॉट इन अप्रैल और मई, अप्रैल और मई में नहीं जाते मगर ए इन दोनों में से कहीं आता है, ठीक है, तो दो केस बनेंगे यहाँ पर, ए एक बार यहाँ आएगा, ए एक बार यहाँ पर आएगा, वी की अगर मैं यहाँ बात कर लूँ तो ए तो सिर्फ यहीं आना चाहिए क्योंकि वो मई यहाँ पे नहीं है, ठीक है, ए गोज इन इवन, ना ही अप्रैल ना ही मई, पी गोज इन द सेम मंथ एज वी, पी गोज इन द सेम मंथ एज वी, पी यहाँ पर हो गया, पी यहाँ पर हो गया, पी यहाँ पर हो गया, और तो कहीं नहीं आना चाहिए पी, ठीक है, एम गोज ऑन वेकेशन इन अ मंथ स्टार्टिंग विद द लेटर एज एज इनिशियल ऑन एन इवन नेम। अच्छा एम गोज ऑन अ वेकेशन इन द मंथ, एम जाता है वहाँ पे स्टार्टिंग विद द सेम लेटर, अच्छा, और इवन नंबर डेट पे जाता है, तो एम के लिए तो सिर्फ एक ही जगह बची है, एम के लिए जगह यही बची है, 8 तारीख, ठीक है, और वो भी मई की 8 तारीख, द नंबर ऑफ द पर्सन गोइंग आफ्टर एक्स, एक्स के बाद जितने जाते हैं इज़ वन मोर देन द नंबर ऑफ द पर्सन बिफोर हर, अच्छा तो ये तो फिर एक एक ही है ना, तो एक के ऊपर तो वो भाई एक ही बनेगा, एक्स अगर 1 2 3 4 अगर मैं यहाँ रखता हूँ एक्स, तो एक्स के ऊपर 4 आना चाहिए था, फिर 3 आना चाहिए, तो ये केस तो कट गया, ये वाला केस कट गया, ये केस कट गया, अब एक्स यहीं आना चाहिए, 1 2 3 4, 1 2 3, ठीक है, नेक्स्ट क्या आना चाहिए, उसने बोला है कि सी आर आर गोज़ ऑन द सेम डेट, अच्छा सी और आर, सी और आर, अच्छा सी और आर की जो डेट है दैट इज़ इक्वल टू, इक्वल ई गोज इन द मंथ हैविंग ऑड नंबर ऑफ डेज, ई जो जाता है ऑड नंबर ऑफ डेज में जाता है, तो ई के लिए मेरे को 2 चांसेस दिख रहे हैं यहाँ पे, इन दोनों को काट देते हैं, वी पी एम हो गया, एक्स हो गया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर ये ए हो गया, ई के लिए क्या बोला था, ई जाता है ऑड नंबर ऑफ डेज में, ऑड नंबर ऑफ डेज वाले मंथ में, ठीक है, तो ऑड नंबर डेज एक ये होता है और एक ये अगस्त होता है, तो 2 हो गए यहाँ पे, ठीक है, अब ए और ई कहाँ पर है, ए और ई में 1 2 हो गया,
तो सी और एक्स में एक दो छोड़ के सी एक्स हो जाएगा। ए और ई में कितना आ रहा है यहाँ पे, ए और ई में कितना हो रहा है, एक भी नहीं हो रहा है, तो सी और एक्स यहाँ पर हो जाएगा सी और एक्स। अब सिर्फ एक जना बचा है जो कि सी और आर की डेट इक्वल है, सी और आर की डेट इक्वल है, सी और आर की डेट इक्वल है। अब इसमें गलत क्या है? द नंबर ऑफ द पर्सन गोइंग आफ्टर एक्स इज़ वन मोर आफ्टर एक्स। मैंने गलत कर दिया क्वेश्चन को, मैंने पूरा क्वेश्चन गलत कर दिया, मैंने ऊपर चार ले लिया जबकि नीचे चार लिखा हुआ था। पूरा क्वेश्चन फिर से करना पड़ेगा। वी गोज ऑन अ वेकेशन ऑन द 8th ऑफ द मंथ हैविंग इवन नंबर ऑफ डेज, इवन नंबर ऑफ डेज, इवन नंबर ऑफ डेज। ठीक है, वी इज गोन ऑन वेकेशन ऑन इवन नंबर ऑफ डेज, द नंबर ऑफ द पर्सन गोइंग बिफोर ए और ई सही है। ए गोज ऑन अ इवन नंबर बट, अच्छा इवन पे जाता है ये, यहाँ पर इवन पे जाता है, ए यहाँ पर इवन पे जाता है मगर यहाँ नहीं जाता। ठीक है, तो वी वी यहाँ पर हो गया, ठीक है वी एक अप्रैल में हो जाएगा, और देख दूसरा कहाँ होना चाहिए, वी यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए तो ए सिर्फ यहीं बचा क्योंकि ऊपर नहीं है, ए वाला मैंने पॉइंट लग दिया दोनों में। पी गोज़ इन द मंथ एज वी, पी पी हो गया यहाँ पर, ये पी हो गया। एम गोज़ ऑन अ वेकेशन इन द मंथ स्टार्टिंग विद द सेम लेटर एज इनिशियल, एम का यहाँ पर हो गया बट ऑन इवन नेट, एम हो गया, एम हो गया। उसके बाद द नंबर ऑफ द पर्सन गोइंग आफ्टर एक्स, एक्स के बाद ज़्यादा है, एक दो तीन चार, एक्स को यहाँ होना चाहिए था। ठीक है, एक्स को यहाँ पर होना चाहिए था। नेक्स्ट, द सी और आर गोज़ ऑन द सेम डेट, अच्छा जी, ई गोज़ इन द मंथ हैविंग ऑड नंबर ऑफ डेज, ऑड नंबर ऑफ डेज में तो मेरे को अगस्त ही दिख रहा है, ई ई और ऑड नंबर ऑफ डेज में ना, तो ई यहाँ भी हो सकता है और इस केस में ई यहाँ भी हो सकता है। वी पी एम एक्स, ई हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, ए और ई में कितना आ रहा है, ए और ई में इतना नहीं है, एक्स नहीं आ सकता, ए और ई में है तो एक्स नहीं आ सकता, ए और ई में एक तो सी आ सकता है यहाँ पे, ए और ई में एक है तो एक छोड़ के यहाँ पर सी हो सकता है। सी और आर के डेट सेम है, ये आठ होता है, ये आठ हो रहा है, ये पंद्रह हो रहा है, ये आर हो रहा है। नेक्स्ट लास्ट वाला केस, जस्ट आफ्टर एम, एम के जस्ट आफ्टर कौन आता है, एक्स। हाउ मेनी पर्सन वेंट ऑन अ वेकेशन बिफोर एंड आफ्टर सी, सी के पहले, सी के पहले एक दो तीन चार पाँच, तो यार एक ही ऑप्शन बचता है, पाँच और दो। फाइंड द ऑड वन आउट, ए की मैं बात करूँ तो ए का आठ तारीख आ रही है, वी की भी आठ तारीख आ रही है, ई की भी आठ तारीख आ रही है, क्या बिल्कुल सही है, एम की आठ तारीख आ रही है, हाँ तो आर की नहीं आ रही है। पी वेंट ऑन वेकेशन ऑन विच डेट, पी जाता है 15 अप्रैल को। नेक्स्ट, फाइंड द करेक्ट कॉम्बिनेशन, करेक्ट कॉम्बिनेशन कौन सा है, आर तो बिल्कुल नहीं है, एक्स मे और एक नहीं है यहाँ पे, ए अगस्त 15 आता है क्या, ए अगस्त 15 नहीं आता है, ए 8 नवंबर आता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इसको कर लेते हैं, इसमें क्या लिखा है, जितना भी पेन है वो सारा का सारा ब्लू है, ओनली अ फ्यू ब्लू आर पेंसिल, ये पेंसिल हो जाएगा, ये पेन हो जाएगा, ओनली अ फ्यू ब्लू कुछ, अच्छा ठीक है, कोई भी जो पेंसिल है वो बॉक्स नहीं है, कोई भी पेंसिल बॉक्स नहीं है, कोई भी बॉक्सिल क्या नहीं है, टेबल नहीं है कोई भी बॉक्स, सम पेंसिल आर नॉट टेबल, पेंसिल कहाँ पर है ये रहा, सम पेंसिल आर नॉट टेबल, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, मैं पूरा का पूरा डाल सकता हूँ, ये गलत हो गया। ऑल ब्लू बिंग पेंसिल, ऑल ब्लू बिंग पेंसिल इज़ अ पॉसिबिलिटी, हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, दैट मीन्स इसमें क्या बनेगा, नीदर नॉर का केस बनेगा, नीदर नॉर। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, ओनली अ फ्यू लॉयन, कुछ ही लॉयन ऐसे हैं जो कि टाइगर है, कुछ ऐसे भी हैं जो कि नहीं है, और जितने भी लायन है वो सारे क्या कैट होने चाहिए, और कोई भी जो टाइगर है वो हॉर्स नहीं है, ओनली अ फ्यू ज़ीब्रा आर हॉर्स। ठीक है, सम ज़ीब्रा आर नॉट टाइगर, ज़ीब्रा और टाइगर में पूछा है, बिल्कुल सही है ये चीज़, कैट आर सम कैट, कुछ कैट ऐसी हैं जो कि हॉर्स नहीं हो सकती, कुछ कैट ऐसी हैं जो कि हॉर्स नहीं हो सकती, बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आना चाहिए, आना चाहिए ईद, नहीं बोथ फॉलोस, आगे क्या आएगा, सम पीपल आर काइंड, कुछ पीपल ऐसे हैं जो कि काइंड है, सम पीपल आर काइंड, सम पीपल आर हेल, ऑल हेट इज एंगर, नो काइंड इज हेट, कोई काइंड जो है वो हेट नहीं है, हेट ये हेल्प है, और जितना भी हेट है वो सारा का सारा क्या है, एंगर है। सम पीपल आर एंगर, हो सकता है बट दिख नहीं रहा है, सम पीपल आर एंगर, ऑल काइंड कैन नॉट बी हेल्प,
और जितना भी काइंड है वो कभी भी हेल्प नहीं हो सकता, किसने बोला नहीं हो सकता, तो ये चीज़ बिल्कुल गलत हो गई। नो हेल्प इज़ एंगर, कोई भी हेल्प जो है वो एंगर नहीं हो सकता, ये भी चीज़ गलत लिखी है। और तो कुछ नहीं है ना, हेल्प नहीं, ठीक है तो ये बनेगा कोई भी नहीं, नन फॉलोज। नेक्स्ट, जितनी भी कंट्री है वो सारा का सारा क्या है, वर्ल्ड है, ठीक है। सम वर्ल्ड क्या है, यूनिवर्स है, सम वर्ल्ड इज़ यूनिवर्स। आगे क्या है, सम स्टेट आर कंट्री, सम स्टेट क्या है, कंट्री ऊपर हो चुका था। ओनली स्टेट इज सिटी, सिटी यहाँ पर छोटा सा आ जाएगा। सम सिटी इज़ वर्ल्ड नहीं हो सकता, सम स्टेट्स आर वर्ल्ड, स्टेट्स आर वर्ल्ड बिल्कुल सही है। सम यूनिवर्स कैन बी स्टेट, यूनिवर्स कैन बी स्टेट बिल्कुल हो सकता है। ये बनेगा सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड। नेक्स्ट इसको छोड़ा, सर्टेन नंबर वाले तीन ही होंगे वो, इसको करते हैं। इसमें क्या लिखा है, इसमें क्या लिखा है, 8% हो गए, ठीक है। ये सब जगह घूमते हैं और उनके कुछ कलर्स हैं। यहाँ में लिखा ए बी सी डी ई, सॉरी ए बी सी डी था, पी है, क्यू है, आर है, एस है, ठीक है। इसमें क्या हुआ है, सबसे पहले उनके कुछ स्टेट्स आएंगे, फिर उसके बाद उनके कुछ कलर आएंगे, ठीक है। अब फिर क्या आएगा यहाँ पर, ए बी सी डी आर विजिटिंग साउथ इंडियन स्टेट्स। अच्छा, ये जो होते हैं ये नॉर्थ इंडियन आएंगे, नॉर्थ इंडियन, ठीक है। और ये क्या आएंगे, साउथ इंडियन स्टेट्स आएंगे, ठीक है। ये दिल्ली पंजाब तेरे को बताइए, ये सब उत्तराखंड तक हो गए, बाकी सारे नीचे हैं साउथ इंडियन वाले। क्यू डज नॉट हैव अ ब्लू और ब्लैक, क्यू के पास नहीं है, क्यू के पास क्या नहीं है, ना ब्लू होता है ना उसके पास ब्लैक होता है, ठीक है, नहीं है। द वन हु विजिट केरला हैज़ अ गोल्डन कलर, जो केरला वाला है उसके पास कौन सा कलर है, उसके पास गोल्डन कलर है, ठीक है। वन हु विजिट साउथ इंडियन स्टेट हैज़ अ ग्रे कलर, ठीक है। इन तीनों में से किसी का क्या क्या है, ग्रे कलर है, इन दोनों में से किसी का ग्रे कलर है, ठीक है। साउथ वाले के पास ग्रे है। ए डज नॉट हैव ब्लू, ए के प्लस ना ही ब्लू है ना ही उस पर येल्लो है, ठीक है। सी हैज़ अ रेड कलर, सी के पास क्या हो गया, रेड कलर हो गया। एंड ही नीदर विजिट केरला, ना ही वो केरला नहीं है ना ही उस पर आंध्र प्रदेश है, तो बचा क्या है उस पर, केरला और आंध्र प्रदेश के अलावा बचा क्या है, केरला नहीं है, आंध्र प्रदेश नहीं है, तो तमिलनाडु और तेलंगाना में से कोई होना चाहिए, ठीक है। आगे क्या आ रहा है, आगे बोल रहे हो, द वन हू विजिट दिल्ली हैज़ अ ब्लैक कलर, अच्छा जो दिल्ली वाला है उस पर क्या है, ब्लैक कलर आता है। पी के पास वाइट कलर है, पी हो गया, पी के पास मैंने वाइट रख दिया। एनी विजिटिंग हरियाणा, चलो जी ये भी अच्छा है, हरियाणा हो गया। द वन हू विजिट तमिलनाडु ईदर, द वन हू विजिट ईदर तमिलनाडु डज नॉट हैव ब्लू, अच्छा तमिलनाडु वाला और जो यूके वाला है वो कभी भी क्या नहीं हो सकता, ब्लू नहीं हो सकता, ठीक है, ठीक है। डी नीदर हैज़ गोल्डन ना ग्रे, डी के पास ना ही गोल्डन है ना ही ग्रे है, ये हो चुका है, इन तीनों में से ग्रे था, इन दोनों में से कोई भी ग्रे हो सकता है। बी विजिट, बी डज नॉट विजिट केरला, बी जो होगा वो केरला नहीं आता है, केरला यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, केरला के साथ गोल्डन चाहिए तो गोल्डन यहाँ नहीं है, केरला, अच्छा रुक जाए एक बार। बी डजेंट विजिट केरला, तेलंगाना और तमिलनाडु, तो भाई जब केरला यहाँ नहीं है, केरला यहाँ नहीं है, केरला के साथ गोल्डन नहीं है, तो ये तो एकदम केरला हो गया, यहाँ पर ये गोल्डन हो गया। अब इन दोनों में से ग्रे यहाँ नहीं है तो ग्रे यहाँ पर हो जाएगा, अब ग्रे यहाँ पे है तो ये सब हो गया, ठीक है। अब तमिलनाडु की प्लस अभी आगे देखते हैं। आर हैज़ पिंक कलर, आर का कहाँ है घेरा, आर का कहाँ आएगा, आर का पिंक आना चाहिए। एंड ही ईदर विजिट या तो पंजाब या तो, ठीक है, या तो ये क्या आएगा, या तो पंजाब आना चाहिए या तो दिल्ली आना चाहिए, बट दिल्ली वाले के पास तो ब्लैक है तो ये तो नहीं हो सकता दिल्ली, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पंजाब, और ब्लैक वाला ऊपर नहीं आ सकता तो यहाँ पर ब्लैक हो जाएगा, ब्लैक वाला क्या हो जाएगा दिल्ली, और ये क्या आ जाएगा उत्तराखंड, उत्तराखंड हो जाएगा, ठीक है। उत्तराखंड वाले के पास ब्लू नहीं है तो ब्लू ऊपर हो जाएगा, जब ब्लू हो जाएगा तो ब्लू वाला तमिलनाडु भी नहीं हो सकता, तमिलनाडु नहीं है यहाँ पर, तमिलनाडु हो जाएगा, यहाँ पर ये तेलंगाना हो जाएगा, और यहाँ पर कौन हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। एक कलर बचता है जो कि येल्लो होता है, आई थिंक, हाँ येल्लो हो जाएगा उत्तराखंड वाले पे।
हु विजिट तेलंगाना, भाई तेलंगाना कौन घूमा है? डी तेलंगाना घूमा है। नेक्स्ट हु स्टेट क्यू क्यू कहाँ घूमा है? उत्तराखंड, उत्तराखंड घूमा है क्यू। हु हैज़ ग्रे कलर, ग्रे कलर किसका है? आंध्र प्रदेश वाले का, जो कि बी है। स्टेटमेंट इज करेक्ट, बी आंध्र प्रदेश घूमा है, बिल्कुल सही है। आर दिल्ली घूमा है क्या? बिल्कुल गलत हो गया। क्यू के पास येलो है क्या? बिल्कुल सही हो गया, फर्स्ट एंड थर्ड। नेक्स्ट हु द फॉलोइंग विजिट दिल्ली, दिल्ली कौन घूमा है जी? दिल्ली कहाँ पर है? ये रहा एस, एस और ब्लैक, ब्लैक वाला। ठीक है, इसको कर लेते हैं, इजी क्वेश्चन है, कोई पजल अच्छी खासी तो नहीं है। अराउंड अ सर्कुलर टेबल सम आर फेसिंग वाइल सेंटर मैक्सिमम 2% रेजिंग आर। मेरे को समझ नहीं आ रहा है, मैं इसको करूँ कि इसको करूँ? ये आराम से होना चाहिए, फर्स्ट एंड द लेटर। ये मैं इसको कर देता हूँ, ये आराम से हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है व्हाट इज़ द कोड फॉर सीई। ठीक है, अगर फर्स्ट और लास्ट क्या है, कॉन्सोनेंट है तो लग गया, सेकेंड एंड सेकेंड लास्ट लेटर वोवल, ये भी नहीं है तो पहला वाला कंडीशन लग जाएगा। देन द कोड्स ऑफ द लेटर शुड बी इंटरचेंज। एफ का कोड क्या दिख रहा है मेरे को? एफ का कोड मेरे को 3 दिख रहा है, और मेरे को सी का कोड क्या दिख रहा है? सी का कोड दिख रहा है मेरे को एंड। ठीक है, अब ई का कोड मैं देख लेता हूँ, यहाँ पे 2 हो जाएगा तो 3 2 हो जाएगा। जी की बात करूँगा तो जी कहाँ लिखा है? कॉपीराइट लिखा है। टी की बात लिखा हो तो परसेंटेज लिखा, और एम की बात लिखा है तो वो 9 हो जाएगा। 3 2 कॉपीराइट परसेंटेज 9 ही हो जाएगा। नेक्स्ट व्हाट इज़ द कोड फॉर, ये तो नहीं है सेकेंड वाला, सेकेंड और सेकेंड लास्ट लेटर क्या है? वोवल है, बिल्कुल। देन ऑल द वोवल शुड बी कोडेड बाय द लेटर ऑफ द लास्ट, ये जितने भी वोवल्स हैं, लास्ट लेटर ऑफ द ग्रुप, ग्रुप का लास्ट लेटर कौन है? एक्स, एक्स में हो जाएगा तो ये 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। एम की वैल्यू तो हमने लिखी ली अभी 9, जी की वैल्यू कॉपीराइट लिख ली थी, यहाँ 9 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्स की वैल्यू 5 ही है, सॉरी ये 5 5 हो जाएगा, 5 5 9, 5 5 9 एट द रेट 5 5, सॉरी कॉपी राइट। पी ये दोनों लेटर वो हैं और ये दोनों भी वो हैं। इफ मोर देन वन देन अप्लाई द कंडीशन इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स पहले पहली वाली लगाओ फिर दूसरी वाली लगाओ। ठीक है, अब मैं इसको कैसे लगाऊँ, पहली वाली दूसरी वाली? पहले वाले में क्या बोल रहा है कि इंटरचेंज कर दो। ठीक है, पहली वाली में इंटरचेंज कर दो, दैट मीन्स कि टी वाले का परसेंटेज यहाँ लिख दो और दूसरे वाले का परसेंटेज क्या कर दो? पी का कहाँ है? पी का स्टार कर दो। ठीक है, और इसको लगा दो। ओ का क्या आ जाएगा? इन दोनों का मैंने चेंज कर दिया। ठीक है, अब मुझे सेकंड वाला लगाना है। ठीक है, अब इसमें सेकंड वाला मैं लगाऊँ कैसे? अब स्टार हो जाएगा तो मैं वोवल की जगह हर स्टार कर दूँ, ये थोड़ा डाउटफुल हो जाएगा। वन मोर देन एप्लीकेबल देन अप्लाई द कंडीशन इन असेंडिंग ऑर्डर। अब मैं अगर पहली वाली को लगा देता हूँ पूरी ऑर्डर को, तो ओ का क्या मुझे करना चाहिए? असेंडिंग ऑर्डर मैंने डाउट हो जा रहा है यहाँ पे, इसमें तो कुछ लगी ही नहीं क्योंकि वो भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो ये तो डायरेक्ट लगा दो आप। के की वैल्यू क्या है? के की वैल्यू ये आ रही है यूरो या पाउंड बोलते हैं। एम का 9 हो जाएगा, यू की वैल्यू एक्सक्लेमेशन हो जाएगी, ओ की वैल्यू 8 हो जाएगी, टी की वैल्यू परसेंटेज हो जाएगी, ए की वैल्यू 7 हो जाएगी। पाउंड हो गया 9 हो गया, एक्सक्लेमेशन 8% 7 हो गया। ठीक है, अब इसमें भी प्रॉब्लम नहीं है, ये पहली वाली कंडीशन लग रही है, इसमें इंटरचेंज कर दो दोनों को। जी का क्या आता है? कॉपीराइट आता है। एक्स का क्या आता है? एक्स का 5 आता है। ए का तो यहाँ पर लिखा ही है, क्या आएगा ए का? ए का 7 हो जाएगा, टी का परसेंटेज हो जाएगा, आई की वैल्यू क्या आ रही है? फिर एम की वैल्यू हो जाएगी 9, कॉपीराइट 7% 9 5। ठीक है, अभी मेरे पे 2 मिनट बचे हैं, इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन कोई देख लेता हूँ मैं, अगर हो जाते हैं तो ठीक है, इसको देखते हैं। सबसे पहले इसने क्या बोला है कि 7 पीपल हैं। ठीक है, एफ विजिट इज एग्जैक्टली, तो ये होता है मंडे, ये होता है ट्यूसडे, वेनसडे हो गया, यहाँ पर थर्सडे हो गया, फ्राइडे हो गया, ये सैटरडे हो गया और ये संडे हो गया। स्टार्टिंग एफ क्या बैठता है? मिडिल में, ये कंफर्म इक्वेशन है। 2% बिटवीन एफ और जी, अच्छा जी एफ और जी के बीच में 2% है। एफ ऊपर हो सकता है, जी नीचे हो सकता है। पहली कंडीशन के हिसाब से द नंबर ऑफ द पर्सन विजिटिंग जी से पहले इज सेम एज द नंबर ई के बाद। ठीक है, और 1% बिटवीन ई और एच, ई और एच के बीच में 1% रहता है। ठीक है,
फिर दूसरी कंडीशन है, पहले इसको लगा के देखते हैं। इस कंडीशन में क्या रहा है, जी आ जाएगा, ई हो जाएगा, जी हो जाएगा, ई हो जाएगा, ई और एच में दो हैं, ई और एच में दो हैं। कि अब मुझे क्या बताना है, हु विजिटेड फ्राइडे, फ्राइडे को नहीं पता लग पा रहा है, ठीक है, ये वाली कंडीशन नहीं पता लग पा रही है। अब उसने क्या लिखा हुआ, आई विजिट बिफोर जी, आई जो जाता है जी से पहले जाता है, एंड जो जे है विजिट बिफोर डी, डी से पहले कौन जाता है, जे, ठीक है। अगर मैं एक सिंपल सी बात करूँ ऊपर वाले की, तो वो तो लग नहीं रहा है, एफ़ और जी अगर मैं लगा भी दूंगा। अच्छा, टू पर्सन हैं एफ़ और जी के बीच में, हाँ तो सही तो है, दो पर्सन आ जाएंगे जी, ये वाला केस तो रहेगा नहीं, इस केस में ये वाला बनेगा, जी हो जाएगा, एफ़ हो जाएगा, आई कहीं भी आ सकता है, नहीं। अब मैं दोनों को अगर मिलाने की कोशिश करूँ, तो आई के ऊपर जी, ये वाला केस तो कैंसिल हो जाएगा, जी के ऊपर मेरे को आई चाहिए। अब आई को मैं कहीं भी रख सकता हूँ, ई और एच भी हो चुका है एक के साथ, जे विज आई इमीडिएट बिफोर जी, अच्छा जी के इमीडिएट, तो आई और जी हो जाएगा, जी के इमीडिएट आई हो जाएगा, और ये डी और जी हो जाएगा। तो दोनों से आंसर आ रहा है, दोनों से आंसर आ रहा है, दैट मीन्स बोथ कंबाइंड इज सफिशेंट, ठीक है। और कोई क्वेश्चन हो पाएगा, पॉसिबल ही नहीं यार, 18 क्वेश्चन में कोई छोटा सा क्वेश्चन है ही नहीं, देखे मेरे को दिख नहीं रहा है कोई। और फैमिली ट्री है वो, उसमें फैमिली ट्री बनाना पड़ेगा, एक दिखा तो था, सबमिट करते हैं फिर देखते हैं। देखो रीजनिंग ही ख़राब हो रहा है, मतलब अच्छा नहीं गया रीजनिंग मेरा, ये है थोड़ा, ये मॉडरेट था ऐसा लगा, थोड़ा सा मॉडरेट था, ठीक है, मॉडरेट तो था ये थोड़ा सा। मैथ्स में एक कैसलेट छूटा, ठीक है, और इंग्लिश भी आपने देखा होगा थोड़ा सा मॉडरेट था, और रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन मेंस लेवल टाइप के थे, मतलब वैसे दिखने में थे, लेवल तो सही होता है, और पजल्स भी थी इसमें, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं क्या हुआ, इंग्लिश में 6 गलत हुए हैं, क्वांट में मेरे 21 आए हैं, इंग्लिश में यहाँ पर 10 हैं, और रीजनिंग में कितने हैं मेरे, 17, ठीक है, यहाँ पर ये 10 हो गए। देखो इंग्लिश में थोड़ा कम है, क्योंकि आपको पता है कि थोड़ा सा अजीब सा दे रखा था इन्होंने इंग्लिश, ठीक है, और क्वांट रीजनिंग भी आपने देखा होगा थोड़ा सा अजीब सा दे रखा था, ठीक है। अब मैं इसको एनालाइज़ करूँगा अच्छे से एक बार, ठीक है। देखो मेन होता है प्रैक्टिस करना, तो प्रैक्टिस ही होनी चाहिए आपकी, मार्क्स मत देखना, ठीक है। मेरा वीडियो बनाने का कभी मोटिव नहीं रहता कि मैं अपने मार्क्स दिखाऊं आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मैं वीडियोस ही वो डालूंगा जिसमें मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे हमेशा, ठीक है, तो वो मैटर नहीं करता कभी भी, ठीक है। अब यहाँ देखो परसेंटाइल तब भी अच्छी आई है, तो क्या सीखने के लिए मिलेगा वो मैटर करता है, ठीक है। तो बस यार यही था इस वीडियो में, ये एक मॉक था, मॉक नंबर कौन सा था, ये था मॉक नंबर 21 स्मार्ट कीड़ा का, ठीक है। आप लोग भी देना और बताना कैसा लगा आपको ये मॉक, ठीक है। अभी तक मैंने ये मॉक दिए हैं, ये मैंने कल या परसों को दिया था, ठीक है। और देखो मार्क्स ना थोड़े वेरी होते रहेंगे हर बार, ठीक है। तो बस यही था इस वीडियो में, और आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि आपको जो भी नई वीडियोज़ आ रही हैं उसके नोटिफिकेशन मिलते रहें, ठीक है। तो बस यही था इस वीडियो में, मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।